आज आपसे बात करूंगा पत्तियों के शिलान्यास के बारे में, अर्थात पत्तियों में वेनेशन किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है और उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो पत्तियों में मुख्य रूप से दो प्रकार का शिलान्यास पाया जाता है, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट अर्थात जालिकावत शिलान्यास और पैरेलल अर्थात समानांतर शिलान्यास। इन्हीं दोनों शिलान्यास के आधार पर हम पत्तियों को पहचान सकते हैं कि वह मोनोकॉट है या डाइकॉट। मेरे पास कुछ पत्तियां हैं, उनके आधार पर मैं बताऊंगा कि वो किस तरीके का है, उसमें कौन सा वेनेशन है और वेनेशन को हम कैसे पहचान सकते हैं। चलिए देखते हैं। मेरे पास ये कुछ पत्तियां हैं। पत्तियों में शिलान्यास, सबसे पहले जान लेते हैं कि शिलान्यास है क्या। तो शिलान्यास जो लैमिना है उसमें वेन्स के अरेंजमेंट को कहते हैं। लैमिना कल मैं बताया था आपको इसके पहले की वीडियो में कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ये लैमिना कहलाता है, ये पूरा पार्ट लैमिना। तो लैमिना में ये जो वेन्स हैं इनके अरेंजमेंट को ही हम शिलान्यास कहते हैं, वेनेशन कहते हैं। लैमिना में किस तरीके से वेन्स अरेंज होती हैं यही कहलाता है वेनेशन या शिलान्यास। शिलान्यास दो प्रकार के होते हैं, पहला है जालिकावत शिलान्यास, दूसरा है समानांतर शिलान्यास। जालिकावत शिलान्यास डाइकॉट में पाया जाता है मुख्य रूप से, और समानांतर शिलान्यास पैरेलल वेनेशन यह मोनोकॉट का लक्षण है। तो दोनों को हम पहचानेंगे कैसे, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि दोनों में मुख्य रूप से विशेषताएं क्या होती हैं। तो जो जालिकावत शिलान्यास होता है उस शिलान्यास में एक मुख्य शिरा या मिडरिप होती है। ये जो दिख रहा है आपको ये मिडरिप, बताया था कि ये मुख्य एक मुख्य शिरा होती है और उस शिरा से, उस मिडरिप से या वेन से, यहाँ से कई वेन्स निकलती हैं। यहाँ से एक प्रिंसिपल वेन है और उससे कई वेन्स निकलती हैं, वेन से वेनलेट्स निकलती हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरी संरचना बनती है एक नेट लाइक संरचना बन जाती है। देखिए आप इसमें खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें पूरा जाल बना हुआ है। ये आपको जाल दिख रहे हैं, मुख से फिर वेन्स, वेन से वेनलेट्स, और ये पूरा एक दूसरे से छोटे छोटे वेन्स भी। देखिए ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं जाके जुड़ रहे हैं। तो ये कहलाता है रेटिकुलेट वेनेशन। ये द्विबीजपत्री का मुख्य लक्षण है, रेटिकुलेट वेनेशन। ये है जालिकावत शिलान्यास। अब जालिकावत शिलान्यास के बाद दूसरा है समानांतर शिलान्यास। तो जो समानांतर शिलान्यास है वो है मोनोकॉट का मुख्य लक्षण है। ये देख लीजिए इसको, ये दो है मेरे पास, ये देखिए, ये दोनों में आपको कैसा शिलान्यास दिख रहा है, देखिए ये मुख्य रूप से दिख रहा है आपको समानांतर। समानांतर मतलब बिल्कुल समांतर होगा, सीधा होगा, इसमें किसी भी प्रकार की संरचना आपको नेट लाइक संरचना जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई नहीं देगा। ये देखिए बिल्कुल सीधा, ये कहाँ से, बेस से निकलता है, बेस से निकलेगा और कहाँ तक चला जाएगा, एपेक्स तक चला जाएगा, कुछ में मार्जिन की तरफ भी जाता है। तो वो दो प्रकार के होते हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल इतना देखिए कि पहचानेंगे कैसे। तो इनमें मुख्य रूप से जो स्थिति है वो है सीधे सीधे होता है, इनमें किसी भी प्रकार के जाल नहीं है। जैसे घास हो गया, घास में भी देख सकते हैं ये घास है, इसकी पत्तियों में भी देखिए, आप खुद लेके देख सकते हैं कि इनमें वेनेशन कैसा है। इसमें आपको मुख्य जो वेन है उससे और वेन्स निकलती हुए और चारों तरफ जाते हुए नेट बनाते हुए दिखाई नहीं देंगी। इसमें जो वेन्स रहेंगी सीधे बेस से ऊपर की तरफ चली जाएंगी, या तो मार्जिन की तरफ जाएंगी या फिर एपेक्स की तरफ जाएंगी, दोनों तरफ जाती हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि मार्जिन की तरफ भी और एपेक्स की तरफ भी दोनों तरफ जाती हैं। तो ये है दूसरा, जिसे हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन द्विबीजपत्री में पाया जाता है, घास में देख लीजिए, बैम्बू अर्थात बांस में देख लीजिए, जो हम लोग गन्ना है उसमें देख लीजिए, इसके अलावा इसको हम देख सकते हैं ज्वार में, भुट्टा जो खाते हैं उनमें। तो ये वेनेशन पाया जाता है, ये पैरेलल वेनेशन है और ये रेटिकुलेट वेनेशन है। अब ये जो वेनेशन है ये भी दो प्रकार के होते हैं, रेटिकुलेट भी और पैरेलल भी, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक श्री विन्यास, यूनिकॉस्टेट वेनेशन, एक श्री विन्यास या यूनिकॉस्टेट वेनेशन। इसमें होता क्या है कि एक मुख्य शिरा या मिडरिप होती है जो एपेक्स तक जाती है। इसमें क्या होता है, यूनिकॉस्टेट जो होता है एक श्री विन्यास होता है,
उसमें एक मुख्य मिड्रिप होगी या मुख्य शिरा होगी जो कहां बेस से एपेक्स तक जाएगा और इसी से कई वेंस निकलती हैं, लेटरल वेंस निकलती हैं, ये कहलाता है। जैसे पीपल, पीपल हम देखते हैं कि पीपल में क्या होता है, एक मुख्य वेन है जो मिड्रिप कहलाती है और उसके चारों तरफ दूसरे छोटे छोटे लेटरल वेंस निकलती हैं, तो ये कहलाया एक श्री विन्यास। मतलब इसमें एक मुख्य होगा, इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, एक श्री नाम ही है, एक श्री विन्यास, यूनिकॉस्टेट, एक ही शिरा होगी मुख्य, और दूसरा है बहु श्री विन्यास, दूसरा है बहुश्री विन्यास। बहुश्री विन्यास में क्या होगा, ये जो एक यहां शिरा दिख रहा है तो आपको यहां एक शिरा नहीं मिलेगी, एक से ज्यादा, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, और इस तरीके से ये जो शिराएं हैं यहां एक है स्पष्ट रूप से, लेकिन उसमें एक स्पष्ट रूप से नहीं होगा, उसमें एक से ज्यादा शिराएं होंगी, और वो शिराएं जो होंगी वो पेटियोल के, ये पेटियोल के टिप से, ये पेटियोल के कहां से, टिप से, ये पेटियोल वाला भाग है, पेटियोल के टिप से निकलती हैं, वहां से अराइज होंगी और दो जगह जाती हैं। कहां जाएंगी, दो जगह, यूनिकॉस्टेट में तो एक ही जगह सीधे यहां से निकलेगा बेस से और एपेक्स तक जाएगा यूनिकॉस्टेट में, लेकिन जो मल्टीकॉस्टेट है उसमें दो प्रकार से होता है। मल्टीकॉस्टेट में जो यहां से वेन्स निकलेंगी वो जो वेन्स हैं वो या तो एपेक्स में जाएंगी या एपेक्स के अलावा दूसरी जगह भी जाती हैं, वो मार्जिन्स में, ये किनारे जो दिख रहा है ये मार्जिन कहलाता है, ये मार्जिन्स हैं, कल स्ट्रक्चर में बताया था मैं आपको, तो मार्जिन्स की तरफ जाएंगी या फिर एपेक्स की तरफ जाएंगी। तो यदि जो मुख्य वेन है वो कहां से जा रही है, बहुश्री में एक से अधिक जो मुख्य वेन है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, तो यदि वो पेटियोल के टिप से निकलकर कहां तक जा रही हैं, मार्जिन की तरफ जा रही हैं, तो वो कहलाता है डाइवर्जेंट। मतलब यहां से निकलेंगे, यहां से निकलेंगे और कहां जाएंगे, मार्जिन की तरफ, इधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं, आगे जाके फिर इधर जा रही हैं, फिर इधर जा रही हैं, फिर इधर जा रही हैं, तो मार्जिन की तरफ यदि जा रही हैं तो वो कहलाता है मल्टीकॉस्टेड डाइवर्जेंट। और यदि वह सीधे एपेक्स में जाके मिल रहे हैं, कहां, यहां से निकल रही हैं, यहां डाइवर्जेंट हो रही हैं और इसके बाद फिर से जाके कहां मिल रही हैं, यहां मिल रही हैं, एपेक्स में जाके फिर से मिल जा रही हैं, तो वो कहलाता है मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट। तो मल्टीकॉस्टेंट, एक है बहुश्री अपसारी, अपसारी का मतलब है कहां जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, फैल जाएगा और फैल के मार्जिन की तरफ, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, तो ये कहलाएगा मल्टीकॉस्टेंट डाइवर्जेंट बहुश्री अपसारी। और दूसरा होता है अभिसारी, मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट अर्थात बहुश्री अभिसारी। तो बहुश्री अभिसारी में क्या होगा, बहुत सारी जो सिराएं निकलेंगी वो सीधे कहां, एपेक्स में जाकर लास्ट में मिलेंगी। तो यह स्थिति होती है किसमें, रेटिकुलेट में भी, और यही स्थिति होती है आपके पैरेलल वेनेशन में, मतलब दोनों वेनेशन में मल्टीकॉस्टेट और यूनिकॉस्टेट पाया जाता है, चाहे रेटिकुलेट हो या पैरेलल। इनके एग्जांपल भी देख सकते हैं कि जो मल्टीकॉस्टेट है, मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट जो फैलता है वो कद्दू की पत्तियों में पाया जाता है, और जो एपेक्स में जाके मिल जाता है वो आम की पत्तियों में पाया जाता है, कद्दू की पत्तियों में और आम की पत्तियों में, दोनों जगह ये पाया जाता है। एक मल्टीकॉस्टेट है, एक, दोनों मल्टीकॉस्टेट है लेकिन एक डाइवर्जेंट है और एक कन्वर्जेंट है। अब इसके अलावा देख लेते हैं पैरेलल वेनेशन में, तो पैरेलल वेनेशन में भी दो स्थितियां होती हैं, यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट पैरेलल रहती हैं वेन्स, लेकिन मल्टी यूनिकॉस्टेट में क्या होता है, एक सिरी में क्या होगा, एक सिरा आपने देखा होगा केले में, केले में देखिए पीछे की तरफ एक मोटा सा दिखता है तो वो है मिड्रिप, और उससे जो बहुत सारे वेन्स निकलेंगी, एक मुख्य वेन होगी और वो कहां, वही वेन मुख्य वेन है, वो मुख्य वेन कहां, नीचे से निकल रहा है बेस से और सीधे कहां जा रहा है, एपेक्स तक जाता है, तो वो कहलाता है यूनिकॉस्टेट पैरेलल वेनेशन बनाना में। और दूसरा है मल्टीकॉस्टेट पैरेलल वेनेशन, मल्टीकॉस्टेट पैरेलल वेनेशन में भी दो प्रकार हैं, एक कन्वर्जेंट है और एक दूसरा डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट में क्या होगा, एपेक्स तक जाएगा, मतलब ये जो निकल रहा है ये देखिए ये, तो ये क्या होगा, ये जो वेन्स निकल रही हैं ये सीधे कहां तक जाएंगी, एपेक्स तक जाएंगी, तो ये कहलाएगा कन्वर्जेंट। ये किस में है, ग्रास में भी पाया जा रहा है, ये ग्रास जो है, ग्रास देख लीजिए, इसमें जो है वो कन्वर्जेंट प्रकार है, अभिसारी है, सीधे नीचे से निकलेगा बेस से और कहां तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा, तो ये कन्वर्जेंट हो गया। और डाइवर्जेंट में जो होगा, मुख्य वेन्स मार्जिन्स की तरफ से,
मार्जिन की तरफ डाइवर्जेंट हो जाती हैं, मतलब ये जो है ये वेन्स ये मार्जिन की तरफ किनारे की तरफ मूव कर जाएंगी, तो ये कहलाएगा आपका मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट पैरेलल वेनेशन। तो इस तरीके से हम पैरेलल वेनेशन देख सकते हैं। मुख्य रूप से पैरेलल वेनेशन के दो ही जो वेनेशन है वो दो प्रकार के हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल। इन्हीं दोनों को ध्यान में रखेंगे कि रेटिकुलेट में नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है और पैरेलल वेनेशन में किसी भी प्रकार का नेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनता है, पूरी जो वेनेशन होती हैं वो पैरेलल वेनेशन होती हैं। धन्यवाद।